वेलकम टू ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज। आपने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, आप देख पा रहे हो सारे कमेंट। ये जो आपने इतने सारे कमेंट किए, प्लीज़ कंटिन्यू सर्वाइवल सीरीज वे ओपी एपिसोड सब आपने ऐसे से कमेंट किए थे, उसके लिए बहुत थैंक यू। आज मैं आपके लिए एक सर्वाइवल सीरीज लाया हूँ। जो आप मेरे हाथ में एक्स वगैरह ये जो टूल्स देख पा रहे हो, या फिर जो मतलब जो मैंने रिसोर्स गैदर किए वो आप देख पा रहे हो, तो ये सब मैंने रिकॉर्ड मतलब कर रहा था। आई थिंक मतलब मुझे लगा कि मेरा रिकॉर्डर ऑन है, लेकिन मेरा रिकॉर्डर ऑफ था, इसलिए वो कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाया। फिर जब मैंने नोटिस किया तब वो ऑफ था, तो मैंने जब उसे ऑन किया फिर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। और तो मैं अभी हमें पहले अरे नहीं नहीं रुको, पानी है सामने, एक मिनट पीछे आ जाते। अरे कंट्रोल, ओके। तो आज का हमारा जो मिशन है, जैसे पहले फूड गैदर करना है हमें, और आज के एपिसोड में माइनिंग को भी जाना है, और हमें एक छोटा सा घर भी बनाने में घर नहीं बना होगा आज के एपिसोड में। मैं आई थिंक सो कुछ टेम्पररी शेल्टर बनाऊंगा मैं आज। तो इस हॉर्स को हम मार देते हैं, हमारी ज़मीन है ये। ओके, तो अभी पहले हम थोड़ा खाना कलेक्ट कर लेते हैं। हम फिश मारते हैं पहले, तो सैलमन वगैरह थोड़ी सी पहले इधर उधर देख लेते हैं। वो रही सामने सैलमन है, हम नहीं ये तो सैलमन नहीं है तो रॉक। अरे यार मुझे मार रहा हो ड्राउन ने। ओके, तो अभी आई थिंक सो हमें क्या करना चाहिए। अरे यार फिर से पानी में गिर गया, अब मुझे पहले तोड़ना पड़ेगा। टूट गया, अब कोई रास्ता है क्या ऊपर जाने का, देखता हूँ। नहीं हाँ, तो गाइस आज हम पहले फूड कलेक्ट करेंगे, एक टेम्पररी शेल्टर बनाएंगे, माइनिंग को जाएंगे, और अभी कुछ देखते हैं। कोई विलेज मतलब विलेज था, लेकिन मेरे पास वो बैड ओमेन का साइन था, इसलिए मैं विलेज में एंटर नहीं किया। मतलब मैं रेड टैकल कर सकता था, अगर रेड ट्रिगर भी हो जाती तो मैं टैकल करने की मतलब मेरा उतनी स्ट्रेंथ थी तो, लेकिन फिर भी अभी मुझे मेरा मन नहीं था, इसलिए अभी पहले तो हम शेल्टर बना लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने सैलमन भी इकट्ठी कर ली थी वैसे, नहीं की थी क्या, करना था मुझे। तो पहले मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ थोड़े से वुड से, और वो जो वुड लॉग है वो भी यूज़ करूँगा उसमें, क्योंकि वो भी बहुत ओपी दिखता है। और सामने अरे यार वो क्राफ्टिंग टेबल भी निकाल लेता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने ये आपका घर देख पा रहे हो सामने, आई थिंक सो टेम्पररी शेल्टर है, आप जैसा कि देख पा रहे हो सामने, ये मैंने अच्छे से बना लिया है। और सामने थोड़े से फेंस वगैरह भी लगा लिए, आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ, चढ़ जाओ। ओके, तो गाइस मैं चढ़ जाऊँ ऊपर से, मैंने एक ब्लॉक की ये रख दिया, नीचे मेरा फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल, और आप ये देख पा रहे हो ऊपर ऐसा कुछ टाइप सा है। एक्सपी भी कलेक्ट कर लेते हैं साथ ही साथ। और गाइस ये मेरा बेड, और ये थोड़े बहुत फेंसेस, और ये मैं निकाल लेता हूँ आयरन एक्स से, ताकि कोई रात को ज़ॉम्बी ना चढ़ पाए। वैसे गेट ओपन ही है, कोई इतनी डरने की बात नहीं है। तो हम अभी क्या करते हैं, एक मतलब कुछ टूल्स और चेस्ट बना लेते हैं, फिर बाद में टूल्स बना लेंगे। मेरी चेस्ट, ओके। अरे मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर दिया यार गलती से। ओके यार ओके ओके दिख रहा है फिर से भी। तो अभी मैं पहले तो मतलब माइनिंग को जाने का प्लान कर रहा हूँ। और गाइस आप कमेंट में बताना कि घर कैसा लग रहा है, ओपी लग रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट भी मतलब हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहो। और आपने पहले ही मतलब मैंने जब वीडियो डाला तब मेरे उसी दिन 14 सब्सक्राइबर्स हिट हो गए, और कम से कम 5 कमेंट उस दिन आ गई थी और 14 लाइक्स थी, इसलिए आपके इस सपोर्ट के लिए थैंक यू। तो अभी आई थिंक सो हमें थोड़ा सा खाना भी पका लेते हैं, मैं थोड़ा सा और खाना फाइंड करने जाता हूँ। थोड़ा सा फूड भी हमें, अरे थोड़ा सा फूड खा लेते, भूख लग गई है, वी आर हंग्री, सो लेट्स ईट फूड। ओके सामने आए थे तो पिग है, नहीं वो तो काऊ है, मुझे पिग दिखाओ आप। ओके, तो हम ये काऊ को मार लेते हैं पहले। 1 ओ भाई 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 क्या ही हिट किया है। ओके एक और काऊ, वाह और कौन से, अरे रुको
कैसे नहीं, जंप करके मारेंगे। अरे यार छोड़ो जंप नहीं, वैसे ही मार देता हूँ। ओके तो हम हमारे घर के ऊपर चलते, घर पर चलते हैं। और फिर गाइस आज हमें माइनिंग करने, वी हैव टू टेक अ लॉट्स ऑफ आयरन एंड सम वैल्यूएबल्स लाइक कोल, लैपिस लाजुली। तो अभी जो भी वीडियो देख पा देख रहा हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं ट्यूटोरियल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो और सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड भी आने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी और सैल्मन मार लेता हूँ। अरे मर जा, ओपी गाइस, हमें थोड़े से और सैल्मन। अच्छा वो सामने और दो हैं, लेकिन नीचे ड्राउंड्स भी है, लेकिन मैं ड्राउंड से पहले सैल्मन मार लेता हूँ। ओके बचा, ओपी, ओ भाई भाई भाई। ओके मेरी लेवल एक्सपीरियंस लेवल मीन्स एक्सपी लेवल 5 हो गई है। तो अभी मैं घर के पास चलता हूँ। और गाइस आप जो साइड में देख पा रहे हो, ये जो मतलब ये जो आदमी एकदम लेफ्ट कॉर्नर की अपर साइड पे आप देख पा रहे हो, हमारा जो कैरेक्टर है वो आप वहाँ पे स्विम करते हुए देख पा रहे हो। तो ऐसी पीसी मतलब पीसी जैसे एकदम सेटिंग आपकी इसमें देखो, आप ये जो देख पा रहे हो ब्लैक ब्लैक आउटलाइन जो ब्लॉक्स के बाजू में मैं देख पा दिखा रहा हूँ आपको। अरे यार मेरी हेल्थ जा रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप अपने इसमें अपने माइनक्राफ्ट में कैसे ले सकते हो। और गाइज आई थिंक सो हम इस वीडियो पे एम करें क्या? नहीं यार इस वीडियो में एम नहीं करते। तो छोड़ो, अभी जो आप ये जो देख पा रहे हो सब पीसी की सेटिंग, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा कैसे आप कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स भी लाता रहता हूँ। तो आपको जो मतलब जो माइनक्राफ्ट है, आप जब मतलब एम के मतलब लाइक एम तो मैं रखता हूँ आज के वीडियो का लाइक एम 5 लाइक्स। नहीं नहीं लाइक एम नहीं रखने वाले हैं आज हम। नेक्स्ट जब हमारे मोर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, 50 सब्सक्राइबर्स के ऊपर जब हो जाएंगे हमारे, तब हम लाइक एम रखना स्टार्ट करेंगे। और फिर वैसे तो अभी जब आप अपने इसमें माइनक्राफ्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इसका भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। और तो अभी हम माइनिंग के लिए नीचे जाते हैं। गाइस आप कोऑर्डिनेट्स देखाता हूँ मैं आपको, रुको थोड़ा सा नीचे जाते हैं फिर आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाऊंगा। आपको आई थिंक 15th या फिर 12th ब्लॉक पे डायमंड्स मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं आप कोऑर्डिनेट्स, ओके तो गाइस मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, आप देख पा रहे हो मेरे जो लेफ़्ट साइड का अपर कॉर्नर वहाँ पे पोजीशन आप देख पा रहे हो। तो जो जो पोजीशन है वहाँ पे आप 14 देख पा रहे हो, 15, 14, 12 ऐसे ब्लॉक्स में, इवन मतलब ऐसे नंबर्स पे आपको डायमंड मिलने के ज़्यादा चांसेस है, आपको डायमंड मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो हम अभी सामने चलते हैं। ओके तो थोड़ा आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो मैं थोड़े से टॉर्चेस भी लगा देता हूँ। ओके तो हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, 12th ब्लॉक पे थोड़ा और नीचे, क्योंकि 2 ब्लॉक का हमें ये लेना। ओ रेडस्टोन, आई मीन यहाँ पे कोई आसपास लावा हो सकता है या फिर डायमंड्स हो सकते हैं रेडस्टोन का, तो यही साइंस है। तो अच्छा साइंस भी सही है, साइन है। तो अभी हम सामने चलते हैं फटाफट से, माइनिंग करते हैं, स्ट्रिप माइनिंग करते हुए हम सामने चलते हैं। थोड़ी सी टॉर्च भी लगा देते ताकि साथ ही साथ आपको भी दिख पाए। ओके वी गॉट लॉट्स ऑफ आयरन आई थिंक सो मे बी या वी गॉट लॉट्स ऑफ आयरन आई थिंक सो। नहीं यार एक स्टैक आयरन, क्या हमें इस जर्नी पे डायमंड मिल पाएंगे? आई थिंक सो मुझे डायमंड मिलेंगे। ओके ओके तो हम ऊपर चलते हैं अभी। अभी मेरा कॉबल स्टोन कहाँ गया, इसे नीचे फिल कर देता, मेरी आदत है एंडर साइड से फिल करेंगे, कॉबल स्टोन क्यों वेस्ट करना है। ओके परफेक्ट, सो लेट्स गेट फॉर स्ट्रिप माइनिंग। ओके और आयरन, अजून एक ब्लॉक टॉर्च लगा देते हैं और आयरन हम कलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो हम और आयरन कलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिप माइनिंग करते हुए देखते हैं अभी। ओके तो अभी हम स्ट्रिप माइनिंग करते करते थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है हमें, अब बोर हो जाओ, इसलिए बोर ना हो जाओ इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को कट भी कर लेता हूँ, अगर आप बोर हो जाओगे। ओके तो अभी हम थोड़ा सा स्ट्रेट माइनिंग करते करते आई थिंक सो
बीच में डियोराइट आ गए थे, बीच में ग्रेनेड भी आ गए थे यार। अब स्ट्रीट मैन में क्या ही बताओ यार। अब जल्दी से यार 50 सब्सक्राइबर कर दो यार। जो भी ये वीडियो देख पा रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और जब आप 50 सब्सक्राइबर कर दोगे फिर उसके बाद हम लाइक एम रखेंगे। और आप अपने इसमें माइनक्राफ्ट कैसे ले सकते हो ये भी बताऊंगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा वीडियो को कट कर लिया है ताकि आप बोर ना हो। तभी मैं बहुत माइनिंग करते करते अंदर आ चुका हूँ, पता नहीं क्या डायमंड मिलेगा। चलो माइनिंग। ओ भाई, ओ ओ भाई साहब, डायमंड गाइस, फाइनली वी गॉट इट, वी गॉट डायमंड। सो थोड़ी सी टॉर्च लगा देते हैं पहले इसे। मतलब मेरी आदत है कि मैं इसे पहले आजू बाजू से खोदता हूँ, फिर पूरा जो डायमंड्स का स्टैक है फिर वो निकालता हूँ। ओके तो देखते हैं पहले कितने डायमंड्स है। ओह रेड स्टोन, गिव मी दैट रेड स्टोन भाई। ओ भाई पानी नहीं 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 नो नो। ओके तो हम थोड़ा सा और सामने चल जाए। ओह रेड स्टोन, अरे यार गाइस हमें रेड स्टोन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती। अरे यार पानी, आई थिंक सो वहाँ पे मैग्मा ब्लॉक था राइट। ओके तो हम आने के बाद मतलब नेक्स्ट टाइम जब माइनिंग को आएंगे तब देख लेंगे। आई थिंक सो कितने डायमंड है, 1 1 2 3 4 5, आई थिंक सो 5 है ना। हाँ 5 है। तो 1 2 3 4 5 का, अच्छा वो रहा 5। अरे टूट जाए यार, कंट्रोल क्यों प्रेस नहीं हो रहा। ओके तो गाइस कंट्रोल प्रेस हमें डायमंड। ओ माय गॉड 5 डायमंड्स भाई साहब, देख पा रहे 5 डायमंड्स मेरे पास है। ओके अरे अरे डायमंड क्यों फेंक दिए मैंने भाई 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 भाई, अभी मैं टॉर्च यहीं पर रहने देते यार। आज की माइनिंग इतनी काफ़ी है, जिनको हमें 5 डायमंड्स मिल गए। इट इज़ इनफ फॉर स्वॉर्ड एंड पिकैक्स। सो आई थिंक सो आज की माइनिंग इतनी काफ़ी है। तो आज हम अभी स्वॉर्ड एंड पिकैक्स ही बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम आयरन एक्स हॉर्स शेवल इन सब के लिए डायमंड्स फाइंड करने जाएंगे, लेकिन आज की माइनिंग आई थिंक सो इनफ है। 5 डायमंड्स मिल चुके हैं हमें। अभी हम ऊपर जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो को कट भी कर देता, बहुत लंबा रास्ता है। बट आपका टाइम वेस्ट होगा, आप सोचोगे बोर वीडियो है। तो ओके गाइस मैं आपके अपने घर के अंदर आ चुका हूँ, आप मेरे पास देख पा रहे हो मेरी ये जो आप FAP TV भी देख पा रहे हो, जो मैं आपका आप कैसे कर सकते हो अपने मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर FPP TV भी कैसे स्विच कर सकते हो, इसके भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, आप मेरे हाथ में देख। गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।